समीकरण है हमारे समक्ष 5t-3 = 3t-5। हल करना है समीकरण तो क्या करेंगे, चरों को एक तरफ, अचर पद को एक तरफ, ठीक है। तो 5t as it is, ठीक है। यह 3t जो कि पक्ष की इस तरफ है, इसका पक्षांतर करेंगे तो धन के 3t है तो ऋण के 3t हो जाएंगे, बराबर ऋण 5 है ही सही। और क्या बोल रहे हैं हम, ये ऋण 3, तो इसका पक्षांतर इधर कर देंगे, ऋण 3 है तो धन के 3 हो जाएंगे। तो किया क्या मैंने, 5t as it is लिखा, 3t को इधर लाया, तो ये ऋण के 3t हो जाएंगे, ऋण के 5 थे ही सही, ऋण 3 का पक्षांतर किया तो धन 3 हो जाएंगे। अब 5t धन का है, 3t ऋण का है, तो 5t में से 3t गए तो 2t बचेंगे, बराबर यहाँ भी असमान चिन्ह है, तो 5 में से 3 गए तो ऋण के 2 बचेंगे। तो t बराबर क्या प्राप्त होगा, ऋण 2, इसका पक्षांतर करेंगे 2 का, जो कि t के साथ गुणे में है तो ये चला जाएगा भाग में, और 2 से 2 को भाग लगा दीजिए, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो प्राप्त हुआ हमें t बराबर ऋण का 1। ये हमारे समीकरण का हल प्राप्त हो चुका है।